भेजो। यस मैम, या वही कैसे हैं आप? ठीक यस मैम। है। ये रिसेंट दोनों आ गए। पीएस वालों हो आप तो हसनैन महम यस सोशल ग्रुप से बात करना शुरू की थी हमने कल, और आप लोगों ने मेरी बात का बड़ा गलत कर दिया। इधर ही देखती हूँ मुझे, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। सोशल ग्रुप्स को पढ़ेंगे हम। सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं, इतने इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, और क्या उनकी इम्पोर्टेंस है, क्या उनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारी कहानियाँ आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। सोशल ग्रुप होता क्या था जी, ये हमने पढ़ लिया था। एक दफा दोबारा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सोशल ग्रुप हम कहते हैं वो एक सोशल सिस्टम जिसमें लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, वो सिस्टम सोशल ग्रुप एक वो सिस्टम है जिसमें सोशल इंटरेक्शन होता है। या हम ये कह सकते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलते हैं किसी कॉमन पर्पस को सर्व करने के लिए, जो कॉमन पर्पस होता है किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए, कोई या लोगों का मिलना, वो कहलाता है ग्रुप फॉर्मेशन। करेक्टरिस्टिक्स हैं जी सोशल ग्रुप्स की। सबसे पहले है जी कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल क्या होता है जी, कोई एक मैं आप, मतलब मैं एज विल अवेज इंडिविजुअल हूँ, शराज शराज एज शराज इंडिविजुअल हैं, कुबा एज कुबा इंडिविजुअल हैं। तो मैं कुबा शराज हसनैन माहम, जब हम मिलते हैं तो जब कलेक्शन होती है इंडिविजुअल की तो एक ग्रुप बनता है। हम बार बार ये बात कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर ग्रुप बनाते हैं। ठीक है जी। तो कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स क्या है जी, के सोशल ग्रुप्स जो हैं वो लोगों से मिलकर बनते हैं। लोगों के बगैर तो कॉन्सेप्ट पॉसिबल ही नहीं है ग्रुप का। ठीक है, जिस तरह से आप देखिए हमारी क्लास, हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशन, उन सब में डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं। तो वो जब इंडिविजुअल्स मिलते हैं तो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को बनाते हैं। दूसरी इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है जी, के इंटरेक्शन अमंग मेंबर्स। आप जब डेफिनेशंस लिखना चाहें या जब डेफिनेशन खुद को भी बनाना चाहें, आप डिफाइन करना चाहें कि सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं, तो जो ये करेक्टरिस्टिक मैम जी, मैम, आपकी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है। मैं जब रिकॉर्डिंग सुनती हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा होता है कि मैं जो चीख चीख के बोल रही हूँ। तो मैं अब इवनिंग की क्लास में ये कह रही थी, मैडम आपकी आवाज़ कम आ रही है, और मैं बाद में रिकॉर्डिंग सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इतना ऊंचा बोल रही होती। मुझे नहीं समझ आ रही आपको कि क्यों मेरी आवाज़ नहीं आती। आप सुनिएगा जरा, रिकॉर्डिंग सुनिएगा अगर आप लोगों को टाइम मिले तो। ऐसा लगता है कि मैडम को कोई काम नहीं है यार, इतनी फुर्सत में इतना ऊंचा बोली जा रही है। अच्छा, इंटरेक्शन अमंग मेंबर्स क्या है जी। अच्छा, मैं बात आपसे ये करी थी कि ये जो सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये क्योंकि मैं आपको सोशल ग्रुप्स की बता रही हूँ, तो जब आप सोशल ग्रुप्स की डेफिनेशंस अगर खुद से बनाना चाहें या आप लिखें, तो आप क्या करेंगे जी, आप इन करेक्टरिस्टिक्स में से कुछ चीजें, मतलब जैसे आप लिखेंगे सोशल ग्रुप के भी दो या दो से ज्यादा लोग जब मिलते हैं तो उनमें इंटरेक्शन होता है, तो वो सोशल ग्रुप बनता है। ठीक है ना। जब अभी हमने जो लास्ट डेफिनेशन देखी है, ये जॉनसन ने भी जो बात की, यानिमकॉफ ने भी जो बात की, उन्होंने यही कहा कि जब इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन का जो सोशल सिस्टम है एक्चुअली वो सोशल ग्रुप्स हैं। तो
इंटरेक्शन का जो है आपका सिस्टम वो कहलाता है सोशल ग्रुप। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सोशल ग्रुप की कि उनके बीच में इंटरेक्शन होगा। ठीक है जी, जो भी सोशल ग्रुप में मेंबर्स मौजूद हैं उनके बीच में जब इंटरेक्शन होगा तो वो एक सोशल ग्रुप की बड़ी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तीसरा क्या है जी, म्यूचुअल अवेयरनेस। म्यूचुअल अवेयरनेस क्या है जी, जब हम ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप हमारे जब बनते हैं तो ग्रुप लाइफ में आपके क्या होता है जी कि म्यूचुअल अवेयरनेस इन्वॉल्व है आप लोगों को। आप म्यूचुअली अवेयर हैं कि किस, आप अपनी असाइनमेंट की एग्जांपल ले लीजिए ना, आप लोगों को क्या है जी कि पता है कि फलां बंदे की ये वीकनेसेस हैं, ये इसकी स्ट्रेंथ है। वो काम कर लेती है लेकिन टाइमली नहीं करती, वो काम जो है जी बिल्कुल बकवास करती है लेकिन टाइम से 4 दिन पहले ही भेज देती है, क्योंकि उसने एक ही सिटिंग में काम करना है। वो चाहे सिटिंग आधे घंटे की हो, 1 घंटे की हो या कुछ मिनट की हो। तो आप एक दूसरे से अवेयर होते हैं, जब भी आप ग्रुप फॉर्म करते हैं तो आपको एक दूसरे की कैरेक्टरिस्टिक आइडिया होता है, एक दूसरे के बिहेवियर का पता होता है कि किसी एक स्पेसिफिक टास्क को लेकर क्या बंदे का क्या बिहेवियर होगा, या वो किस तरह से कितना सीरियसली है, कितना फन में उसको उड़ा देगा। तो जब भी ग्रुप बनते हैं तो उसमें एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक वहां पे मौजूद लोगों की म्यूचुअल अवेयरनेस होती है। नेक्स्ट है जो वी फीलिंग। वी फीलिंग ग्रुप में जब हम बनाते हैं या ग्रुप में हम बात करते हैं तो ग्रुप की एक, जिसको हम कहते हैं कि आइडेंटिटी होती है, ग्रुप के लोगों का एक दूसरे के साथ यूनिटी की फीलिंग होती है, एक दूसरे के साथ एसोसिएशन का जो फील होता है, क्योंकि आप लोगों ने मिल के उस काम को पूरा करना है, तो वो एक वुई फीलिंग डेवलप होती है। उसमें आप आई आई के कॉन्सेप्ट में नहीं बढ़ते, उसमें आपको ये होता है कि टाइमली हमें इस टास्क को पूरा करना है, हमें अपने टारगेट को मीट करना है, तो ऑटोमेटिकली आपने एक वुई फीलिंग का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। ग्रुप यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होगी कि ग्रुप यूनिटी होगी या ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ बड़ा स्ट्रॉन्गली टाइट होते हैं, जिसमें जो उनके ऑब्जेक्टिव हैं, जो गोल्स हैं, जो आपका एजेंडा होता है जिसको आपने मीट करनी है, उसको मीट करने के लिए। ठीक है जी, ग्रुप सॉलिडेरिटी, ग्रुप इंटीग्रेशन, एक दूसरे की बात समझना, कॉन्फ्लिक्ट भी मौजूद होते हैं, लेकिन ग्रुप यूनिटी और सॉलिडरिटी जो है जी ये अगर नहीं होगी, आप लोगों को अगर नहीं पता होगा कि ये काम हमने करना है, एक दूसरे के साथ मिलकर करना है, 7 डेज में असाइनमेंट सबमिट करानी है और 6.5 डेज तक आप लड़ते रहेंगे, आप बिल्कुल भी सॉलिडरिटी इंटीग्रेशन का शो नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली आपका जो ऑब्जेक्टिव था कि हमने एक अच्छी असाइनमेंट सबमिट करनी है अच्छे ग्रेड लेने के लिए, तो वो अचीव नहीं होगा, वो आपका जो कॉज है, आपका जो प्रोसेस है वो बहुत हो जाएगा। तो अपने पर्पस को जिंदा रखने के लिए जरूरी है कि आप यूनिटी सॉलिडरिटी को सोशल ग्रुप में शामिल रखिए। कॉमन इंटरेस्ट, हाँ जी, कॉमन इंटरेस्ट भी ये सिंपल सी चीज है जी कि आप ग्रुप फॉर्म करते हैं तो आपके कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, आपका इंटरेस्ट है जी कि हमने इस चीज को अचीव करना है, हमने ये असाइनमेंट करनी है, हमने ये प्रेजेंटेशन देनी है, हमने फैमिली का जो आपका ग्रुप होगा तो क्या है जी कि हमने शादी में जाना है, तो जब शादी में जाने के लिए अगर सिस्टर से कोई आपने जूलरी में से कोई चीज यूज करनी है, आपने उसके कुछ में से कुछ लेना है, आपने उसके कॉस्ट्यूम जो आप लेना चाह रही हैं या पहनना चाह रही हैं, उसमें से कोई कपड़ा जो है उसकी सूट का मैच हो रहा है, तो आप उसके साथ एक बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगी, या बड़े अच्छे कॉमन इंटरेस्ट शो करेंगी। तो क्या है जी कि आपको अल्टीमेटली अपना कोई भी गोल अचीव करने के लिए, किसी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए जब आप ग्रुप फॉर्म करते हैं तो ऑटोमेटिकली और ऑब्वियस चीज है कि आपके कॉमन इंटरेस्ट होंगे। ये नहीं होगा कि आप कोई मशरक की बात कर रहा है तो कोई मगरब की बात कर रहा है, अगर कोई मशरक मगरब की बात भी कर रहा है तो थर्ड पर्सन, इसमें कोई मीडिएटर जरूर मौजूद होगा जो आप लोगों को एक कॉमन पॉइंट पे लिया है
एक्चुअल में वो बात करनी चाहिए जिसके लिए हमने ये ग्रुप बनाया है, वो हमें करना है। तो ग्रुप के फॉर्मेशन में, ग्रुप जब बनते हैं, इट्स इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट उसका एक फीचर ये है कि वहाँ पे मौजूद इंडिविजुअल्स के कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, एक जैसे इंटरेस्ट होते हैं उनके, वो इंटरेस्ट सेम होंगे ही तो वो अपना गोल अचीव कर पाते हैं। ग्रुप नॉर्म्स, नॉर्म्स क्या होते हैं जी, हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा था, पूछूंगी नहीं, बताते बताते आपको एक बताते हैं। नॉर्म्स क्या होती हैं, नॉर्म्स आपके पास तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होती हैं जिनको आप फॉलो करते हैं किसी भी सोसाइटी में मूव करने के लिए, ठीक है जी। तो ग्रुप नॉर्म्स के क्या है जी, कि ग्रुप के सारे टास्क को अच्छे तरीके से पूरा करने के लिए आप नॉर्म्स सेट करते हैं। इस काम को जी, तुमने मुझे असाइनमेंट इतने बजे तक भेज देनी है, ग्रुप लीडर ये कहेगा, ताकि मैं जो है जी उसको एक दफा सारा रिव्यू कर लूँ, अगर कुछ चीज़ें मजीद इसमें ऐड करने वाली होंगी तो मैं बताऊंगी कि इसको इस तरह से कर लो, या मुझे अगर समझ आ जाएगी, मेरे पास टाइम होगा तो मैं उसको कर लूंगी। तो क्या है जी, वो सरदर्द उसकी भी क्यों होती है, क्योंकि आप लोगों के मार्क्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। अब मेरी वाली असाइनमेंट के केस में यह है कि चाहे आप ग्रुप में कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल मार्किंग है, जिसने जितनी कोशिश करके क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसको उतने अच्छे ग्रेड्स मिल जाएंगे, जिसने चीज़ों को कॉपी पेस्ट भी नहीं, कॉपी पेस्ट कभी कोई ऊपर की चीज़ करने की कोशिश की है तो वो चीज़ें बड़ी फर्क होंगी। तो ग्रुप नॉर्म्स क्या हैं जी, कि आप अपने पास डिसाइड करते हैं तो मैं इसको इस तरह से करना है, इसको इस तरह से करना है, क्या कोड ऑफ कंडक्ट होगा। हम अगर व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं तो उसमें एक टाइम जो हम सेट कर लेंगे कि हर बंदा उस ग्रुप में आएगा तो अपने इनपुट्स देगा, उन इनपुट्स पे हम डिस्कस करेंगे, तो फर्दर हम अपनी चीज़ों को ताकि आसानी से कर सकें, किसने क्या करना है, कितने टाइम में करना है, आप अपनी नॉर्म्स सेट करते हैं, जिस तरह से हमने नॉर्म्स सेट की थी अकॉर्डिंग टू आर कल्चर। जो हमारा कल्चर होता है, जो हमारे वैल्यूज होती हैं, जो हमारे सामने हमारी ट्रेडिशंस होती हैं, जो हमारे मॉरल्स होते हैं, जो हमारे कस्टम्स होती हैं, अकॉर्डिंगली हम अपनी नॉर्म्स सेट करते हैं। और वो नॉर्म्स के हैं जी, रिटर्न भी हो सकती हैं, अनरिटर्न भी होती हैं। अगर हमारी क्लासेस होती ऑफलाइन तो हम क्या करते, मैं अपनी सोशियोलॉजी की क्लास के लिए आप लोगों से रिटर्न लिखवाती, मैं अपने पास एक परफॉर्मेंस सेट करती जिसमें आप सिग्नेचर्स लेती कि ये सारे कोड ऑफ कंडक्ट जो हैं आप सोशियोलॉजी की क्लास में फॉलो कर रहे होंगे। तो क्या है जी कि नॉर्म्स आपके पास रिटर्न भी होती हैं और अनरिटर्न भी होती हैं, और तमाम ग्रुप मेंबर्स को उन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। साइज जो है जी ग्रुप्स के, वो वेरी करते हैं, कोई बहुत छोटे ग्रुप्स होते हैं, कोई बहुत बड़े ग्रुप्स होते हैं। छोटे ग्रुप की एग्जाम्पल ये है जी कि हस्बैंड एंड वाइफ का ग्रुप, मेरा और तूबा के साथ जो ग्रुप बनेगा वो हम ग्रुप किस लिए बनाएंगे, क्योंकि हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तूबा क्लास के प्रॉब्लम्स मेरे से शेयर करना चाह रही है और मैं क्लास का लेना चाह रही हूँ। तो क्या है जी कि वो स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट ग्रुप आपका वो होता है जिसमें एटलीस्ट दो लोग हों, जिसमें कोई एक बंदा होगा वो ग्रुप नहीं होता। ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, दो या दो से ज्यादा लोग, ठीक है। तो साइज जो है जी, मिनिमम टू और मैक्सिमम लाखों लोग भी हो सकते हैं। आप किसी भी पॉलिटिकल लीडर की जो स्पीच होती है, उसमें आने वाले उसके सपोर्टर्स को देखिए, वो लाखों हजारों की तादाद में होते हैं। तो आपका ग्रुप का साइज जो होता है वो वेरी करता है, मिनिमम दो लोग और मैक्सिमम लाखों लोग भी हो सकते हैं। ग्रुप्स जो हैं जी वो डायनेमिक होते हैं। हाँ जी जी तो किस तरह से डायनेमिक होते हैं, ये स्टेटिक नहीं होते। आप अपनी फैमिली को एज ग्रुप ले लीजिए, आपके ओल्डर मैन या फैमिली मेंबर्स जो हैं वो, कुछ हो सकता है किसी की डेथ हो जाए, अगर डॉटर्स होंगी फैमिली में तो हो सकता है उनकी शादी हो जाए, बेटे होंगे फैमिली में तो हो सकता है वो अपनी वाइफ्स को लेके आ जाए। तो क्या है कि फैमिली में जो आपका वो फैमिली का ग्रुप है, वो उसका साइज जो है वो डायनेमिक है, वो चेंज हो रहा है, कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लोग उस ग्रुप को छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ग्रुप जो है जी वो डायनेमिक है, वो स्टेटिक नहीं है। इस तरह से नहीं होता कि अगर पांच लोग हैं तो वो पांच ही रहेंगे, ठीक है। आप देखिए, अगर आप लोगों के एजेंट और ईएस में एक स्पेसिफिक जो है जी स्टूडेंट्स को इनरोल करते हैं एडमिन वाले या आपके डिपार्टमेंट वाले, तो क्या है जी कि उस स्पेसिफिक स्टूडेंट्स में हो सकता है कितने भी स्टूडेंट्स लेफ्ट कर जाएं, तो जब लेफ्ट कर जाएं तो ये भी हो सकता है कि
आपके थर्ड सेमेस्टर में और स्टूडेंट्स हो चुके सोशियोलॉजी, अगर किसी कोई पास नहीं कर पाया, कोई एग्जाम में अपीयर नहीं हो सका, तो वो आप लोगों को फोर्थ सेमेस्टर में सोशियोलॉजी की क्लास में ज्वाइन करता है, तो आपका जो क्लास की स्ट्रेंथ है, आपका जो ग्रुप साइज है वो चेंज हो गया, आपका ग्रुप डायनेमिक हो गया। स्टेबिलिटी, ग्रुप स्टेबल भी हो सकता है जी, अनस्टेबल भी हो सकता है, क्योंकि ग्रुप परमानेंट भी होता है, टेम्परेरी भी होता है। आप कोई क्राउड देख लीजिए, आप मॉब देख लीजिए, आप ऑडियंस देख लीजिए। हमारी ऑडियंस होती है किसी भी म्यूजिशियन का, किसी भी आर्टिस्ट का, आप देख लीजिए क्या उसको कहते हैं, कॉन्सर्ट। अगर आतिफ असलम के कॉन्सर्ट की आप बात कर लीजिए, तो क्या है जी कि वो ऑडियंस उसकी चेंज होगी ना, ऑडियंस भी चुका एक ग्रुप है, तो वो अनस्टेबल ग्रुप होगा। किस तरह से, कि क्या पता कितनी ऑडियंस उसमें आने वाली है, ठीक है। तो स्टेबल इस तरह से होते हैं कि जैसे आपकी फैमिली है, आपको एक आइडिया है कि किस हद तक आपने, या कितने टाइम के बाद आप अपनी बेटी की शादी करनी है, या कितने टाइम के बाद अपने अपने भाई की शादी करके अपनी भाभी को घर में लेके आना है। तो ये अपनी नेचर में स्टेबल भी हो सकते हैं और अनस्टेबल भी होते हैं। यूजुअली ये अपनी नेचर में स्टेबल तब होते हैं जब हमने ग्रुप बनाया है फॉर सम टाइम, लिमिटेड टाइम्स में, कि हमने 4 मंथ्स के लिए, 2 मंथ्स के लिए, 2 वीक्स के लिए, किसी एक असाइनमेंट के लिए ग्रुप बनाया है। तो उस ग्रुप में क्या है जी कि हमने जो अपना गोल अचीव करना है वो कर लिया, तो ग्रुप खत्म। तो उस टाइम में ग्रुप स्टेबल होगा, ग्रुप अनस्टेबल तब होगा, किसी जगह पे कोई चीज बांटी जा रही है, तो आप चीज बांटी जाने वाली चीज को लेने के लिए सभी इकट्ठे हुए हैं, तो वो आपका क्या है जी, वो आपका जो क्राउड होगा, वो जो मॉब होगा, वो क्या है, ये आप देख लीजिए। स्पेक्टेटर्स के हमारे सामने एग्जाम्पल है, बंदर का तमाशा करने के लिए जो आया होता है वो, तो उसको देखने के लिए जो हमारे सामने सारे स्पेक्टेटर्स, तमाशाई इकट्ठे होंगे, तो वो भी हमारे सामने एक अनस्टेबल ग्रुप है। वो ग्रुप अपनी नेचर में टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं, ठीक है जी। आगे हम इसकी इम्पोर्टेंस पे मूव करते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है जी? द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इज एसेंशियली द स्टडी ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स। नो मैन एग्जिस्ट विदाउट ए सोसाइटी एंड नो सोसाइटी एग्जिस्ट विदाउट ग्रुप्स। ये बड़ी सादी सी कहानी है, बड़ी दफा मैंने आप लोगों को बताई है। सोसाइटी क्या है जी? जिसमें इंडिविजुअल्स रहते हैं, और वो इंडिविजुअल्स क्या हैं जी, वो सारे दो लोग भी कम से कम एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो एक ग्रुप फॉर्म करेंगे। तो कोई भी इंसान जो है सोसाइटी के बगैर नहीं रह सकता, और कोई भी सोसाइटी जो है वो चूंकि उन इंसानों के बगैर जो कि ग्रुप फॉर्म करे हैं नहीं रह सकती। ग्रुप्स हैव बिकम ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। फर्स्ट इंपॉर्टेंस का पॉइंट क्या है जी? सर्वाइवल बिकम्स प्रॉब्लमेटिक विदाउट ग्रुप्स। ये जो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि सोचिए कि हमने सारे काम अपने खुद करने हैं, तो कितना मेस क्रिएट होगा मेरे लिए। एटलीस्ट अगर मैं अपनी एग्जाम्पल लूँ और आप सबको खुद के लेवल पे रख के इसको सोचिए, तो लगेगा कि क्यामत से पहले ही क्यामत आ गई है। हम तो जो पता नहीं अल्लाह तआला ने जहन्नुम में भेजना था कि जन्नत में, तो मेरी जिंदगी अभी जहन्नुम बन गई है, अगर मुझे अपने सारे काम खुद करने पड़ रहे हैं। तो क्या है कि ह्यूमन सर्वाइवल बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है विदाउट ग्रुप्स। आप सोचिए आपके इर्द गिर्द कितने लोग मौजूद हैं जो आपको कितना असिस्ट कर रहे हैं। एटलीस्ट आप क्लास लेते हुए दूसरों को कितना, अपने यंगर सिबलिंग को कह सकते हैं जरा मुझे पानी पिलाना, कि मैं बुरी क्लास ले रही हूँ, बड़ा अटेंटिव होकर सुन रही हूँ, मेरी अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी अगर मैं पानी का एक ग्लास ले आऊंगी। एक आई एम जस्ट कोटिंग अ वेरी माइनर एग्जाम्पल। तो आप इसको सोशल इंस्टीट्यूशन में ले जाइए, आप हेल्थ एंड मेडिसिन के लिए, आप फूड के लिए फार्मर पर डिपेंडेंट हैं, आप अपनी एजुकेशनल सोशलाइजेशन के लिए अपने टीचर पर डिपेंडेंट हैं, तो ह्यूमन सर्वाइवल जो है वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। वो बड़े प्रॉब्लम्स उसमें आएंगे अगर उसमें ग्रुप्स मौजूद नहीं है तो। दूसरा क्या है जी? मैन बिकम्स मैन ओनली अमंग मैन। इंसान इंसान ही तब बनता है जब वो इंसानों के बीच में होगा। इसकी मैं एक स्टडी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक छोटा बच्चा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी ऑफ 3 to 4 years, तो उसको एक बंदर के छोटे से बच्चे के साथ आइसोलेट कर दिया जाता है। तो क्या होता है जी कि वो बच्चा क्या करता है, वो जिस तरह से वो मंकी का जो बच्चा है वो जंप करता है, जिस तरह से वो चीजों को स्नैच करता है, या वो मतलब आप अगर सोचिए कि वो किस तरह से उसकी मूवमेंट होती हैं,
कोई बच्चा बड़ा स्पीडली मूव कर रहा होता है, ये तो बंदर का बच्चा होता है, देखो उसकी कितनी स्पीड है यार, 1 मिनट में सोफे पे होता है, 1 मिनट में लाउंज से बाहर, 1 मिनट में मेरे रूम में आ गया, क्या कितनी है ये। तो उस बच्चे में क्या ट्रेट्स डेवलप हुए कि उसने उस मंकी की ट्रेट को डेवलप कर लिया, उसने अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लिया, अकॉर्डिंगली वो सोशलाइज हो गया, उसने उसी तरह से स्नैच करना सीखा फूड, उसने उसी तरह से जंपिंग करना सीखा उसने। तो क्या है कि इंसान के इंसान बनने के लिए जरूरी है कि वो इंसानों के बीच में रहे, तो जब वो इंसानों के बीच में रहेगा उसको किस तरह से सोशलाइज होना है, उसने चीजों को किस तरह से सीखना है, उसने ह्यूमन इन्वायरमेंट में किस तरह से खुद को एडजस्ट करना है, चीजों को कितना स्मूथली लेना है, चीजों से किस तरह से लर्न करना है, ये हम तभी सीखते हैं जब हम एक्चुअल में इंसानों के बीच में होते हैं। ठीक है जी, ग्रुप्स हेल्प सोशल सर्वाइवल आल्सो, इंसान हमारे ग्रुप्स होंगे वो हमें सोशल सर्वाइवल भी सिखाते हैं। सोशल सर्वाइवल से क्या मुराद है जी, देखिए हम जब बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हम कांस्टेंट रिलेशंस में होते हैं, हम आप देखिए हमारा कितने मुख्तलिफ लोगों के साथ रिलेशनशिप बनता है, आप किसी अच्छी आप किसी एक शॉप से कोई चीज बाय करते हैं तो अगर वो चीज जो है जी जिसको कहते फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो अपनी क्वालिटी में अच्छी होती है, तो आप उस शॉपकीपर की कभी जान ही नहीं छोड़ते हैं, वो चाहे आपका कोई फैब्रिक का ब्रांड हो जाए या कोई आपका ज्वेलरी का कोई हो जाए, या अगर हम लड़कों की बात कर लें तो बेचारे उन्हें जो भी चीजें लेनी होती। तो क्या है कि हम कांस्टेंट रिलेशनशिप में आ जाते हैं, हम चीजों को सीखने लग जाते हैं, या आप देखिए कि अगर हमारा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, आप देखते हैं कि फ्रांस जगह से मैंने यार मैं सूट लेके आई, एक वॉश में उसका सारा कलर निकल गया, तो आप मर के भी दोबारा उस शॉप पे नहीं जाएंगे। ठीक है, आपकी ज्वेलरी की चीजें, अब फॉर एग्जाम्पल आप कोई कॉस्मेटिक्स में कुछ लेके आती हैं तो क्या है जी कि आपने फाउंडेशन अप्लाई की है तो क्या हुआ है कि उसने आपकी स्किन पे एक्ने कर दी है, तो आप जिस तरह से भी लान तान तो करेंगी उसको, तो आप क्या है आप उस शॉपकीपर के पास कभी भी नहीं जाएंगी, जो भी स्पेसिफिक आपका कोई ब्रांड है आप उससे कभी भी बाय नहीं करेंगे क्योंकि वो चीज़ आपको सूट नहीं की। तो हम अपनी इंटरेक्शन से अपने रिलेशनशिप से चीजें मेंड करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। अम्मी ने जो सिखाया था वो अगर आपने उस तरह से नहीं सीखा, अम्मी के 2 थप्पड़ों से आप दोबारा वो चीज सीखने की कोशिश करेंगे जो एक्चुअल में अम्मी सिखाना चाह रही थी। ठीक है, आप अपने सोशल सर्वाइवल में खुद को फिटिंग करने के लिए आप चीजों को मेंड करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते रहते हैं। वो तो आप बेवकूफ ही होंगे, अम्मी आपको मारती भी जा रही है, आपको सिखाना भी चाह रही है, आप हर दफा मार भी खा लेते हैं तो आप एक्चुअल में वो चीज नहीं सीखते जो आपको सिखाई जा रही है, आप बेवकूफ बनते जा रहे हैं, आप उसी शॉप कीपर के पास जाते जा रहे हैं जिससे आपको एक्चुअल में नुकसान हो रहा है, आपकी स्किन भी खराब हो रही है, आपका फैब्रिक भी अच्छा नहीं है, आप जो जूता लेके आ रही हैं वो भी जल्दी टूटता जा रहा है, तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो हम जो है फ्रॉम आर वेरी फर्स्ट डे टिल आर डेथ हम चीजें सीखते हैं, हम डिफरेंट सोशलाइजेशन के प्रोसेस से गुजरते हैं, और उस सोशलाइजेशन के प्रोसेस से गुजरते हुए हम क्या करते हैं, हम लर्न करते हैं, जैसे जैसे हम लर्न करते हैं हमारा सोशल सर्वाइवल बेहतर होता जाता है। सोशल सर्वाइवल से क्या मुरादे थी, देखिए ना आप अगर आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ के बाद आप कोई नया ड्रेस बाय करती हैं तो यार अगर आपका पहला ही ड्रेस खराब हो गया तो आप बहुत बड़ी इडियट फूल होंगी अगर आप उसी को दोबारा विजिट करती जाएंगी। आप अपने सोशल सर्वाइवल को बेहतर करने के लिए कोई टेक्निक्स अडॉप्ट नहीं कर रही, उन टेक्निक्स को अडॉप्ट करना जरूरी है। ठीक है जी, स्क्रीन शो हो गई मेरी। यस मैम, अच्छा जी, क्या पढ़ लिया हमने, करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है और हमने वो पढ़ी है इम्पोर्टेंट, अब हमने पढ़ी है ग्रुप के टाइप्स।
ग्रुप कितनी मतलब किस्म के होते हैं और ग्रुप का साइज क्या होता है? साइज क्या है जी, हमारे सामने 5 मुख्तलिफ टाइप्स में आपके साथ डिस्कस करूंगी, इसकी बहुत सारी टाइप्स है, बहुत सारी, ढेरों ढेर, क्योंकि आप लोग थोड़े मासूम बच्चे हैं इसलिए मैंने कहा था आपको थोड़ा सा लिमिटेड पढ़ाऊँ, आप लोग को पहले ही लगता है मिडिल में जो होते हैं। तो क्या है जी, सेकेंडरी ग्रुप हम पढ़ेंगे, सेकेंडरी ग्रुप इंटरव्यू कराया सी एच खुले ने, सॉरी प्राइमरी ग्रुप पढ़ेंगे जो सी एच कूलर ने डिस्क्राइब किया है, जिसको डिफाइन को इंट्रोड्यूस किया है। सेकेंड है सेकेंडरी, जो कि मैक्लेवर ने इंट्रोड्यूस कराया है। इन ग्रुप और आउट ग्रुप है जी, जो कि डब्ल्यू जी समनर ने बताया है हमें, और रेफरेंस ग्रुप हमें बताया है हर्बर्ट हैमन ने। प्राइमरी ग्रुप हमारे पास क्या होते हैं आप सोचिए, जब हमने फैमिली सोशलाइजेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था कि प्राइमरी सोशलाइजेशन में हम जो चीज़ें सीखते हैं हम अपनी फैमिली से सीखते हैं। अम्मी जब हमें एक अच्छा बच्चा बनाने की डेफिनेशन में फॉल कराना चाहती हैं, तो वो एक अच्छे बच्चे की डेफिनेशन के लिए हमें जो जो सारी चीज़ें सिखा रही होती हैं वो हमारी प्राइमरी सोशलाइजेशन का पार्ट होती है। तो प्राइमरी ग्रुप्स भी हमारे पास यूजली वो ही होते हैं जो कि हमारी फैमिली से रिलेटेड लोग हैं, वो लोग जिनके साथ हमारे थोड़े क्लोज रिलेशनशिप हैं, जिनसे हम बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं होते, जिनके साथ कोई बहुत ज्यादा स्पेसिफिक गोल्स रखते हुए हम इंटरेक्ट नहीं करते, जिनके साथ हम बहुत सारी चीजों में फजूल हरकतें भी करते हैं इन सिंपल टर्म्स, जिनसे हमने अपने काम निकलवाने होते हैं, जैसे हसनैन सुन की बहनें निकलवाती हैं। तो क्या है, हम जिनके साथ विदाउट एनी गिव एंड टेक और विदाउट एनी प्रॉफिट और लॉस की सिचुएशन से बगैर भी जब हमारा इंटरेक्शन होता है या जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं उनको हम प्राइमरी ग्रुप्स कहते हैं। प्राइमरी ग्रुप्स इन्वॉल्व इंटरेक्शन अमंग मेंबर्स हु हैव एन इमोशनल इन्वेस्टमेंट इन वन अनदर एंड इन अ सिचुएशन हु नो वन अनदर इंटीमेटली एंड हु इंटरेक्ट एज टोटल इंडिविजुअल्स रादर देन थ्रू स्पेशलाइज्ड रोल्स। हाँ जी, जिसमें क्या है जी, हमारी एक दूसरे के साथ इमोशनल इन्वेस्टमेंट होती है, एक दूसरे पे इमोशनली इन्वेस्ट करते हैं, इमोशनली अटैच होते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप कायम किए होते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और वो हमारा इंटरेक्शन एज होल होता है, एज टोटल इंडिविजुअल होता है। मेरा आपके साथ इंटरेक्शन एज टोटल इंडिविजुअल नहीं है, मेरा आपके साथ इंटरेक्शन क्या है जी, लिमिटेड इंटरेक्शन है, जिसमें मैं आपकी टीचर हूँ, आपकी कोर्स फैसिलिटेटर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको सिखाती हूँ, आप सीखने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। हमारे इसमें स्पेशलाइज्ड रोल्स हैं, क्योंकि मैं और आप एक सेकेंडरी ग्रुप फॉर्म किए हुए हैं, अदरवाइज जब आप प्राइमरी ग्रुप में होते हैं तो आपके स्पेशलाइज्ड रोल्स नहीं होते क्या जी, आप उनसे बढ़ के एक दूसरे से एक्सपेक्ट भी करते हैं और एक दूसरे तक चीजें डिलीवर भी कर रहे होते हैं। मतलब वो जो आपकी मदर हैं वो आपको एज मदर ट्रीट करेंगी, आपको इमोशनली भी स्ट्रांग करेंगी, आपके लिए एक पूरा सपोर्ट सिस्टम है। वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ आपको, जिस तरह से हमारे सामने मेड्स की कैटेगरीज बन गई हैं कि बर्तन धोने के उसमें इतने पैसे लेने हैं, कपड़े धोने के उसमें इतने पैसे लेने हैं, मोपिंग के इतने पैसे लेने हैं, अगर उसने आपने डस्टिंग भी इंक्लूड करनी है तो उसमें इतने पैसे लेने, ये क्या जी, ये हमारे पास सामने कैटेगरीज हैं, इनमें सब में उसके रोल्स हैं। तो हमारे प्राइमरी ग्रुप्स में स्पेशलाइज्ड रोल्स नहीं होते, वो जो एक मदर है वो आपके लिए पूरा एक सपोर्ट सिस्टम है। वो फादर ने कुछ कह दिया तो वहां भी आपको सपोर्ट कर रही होंगी, भाइयों में आपका फड़ा हो गया तो वहां भी कर रही होंगी, फैमिली में किसी ने कुछ कह दिया तो वहां भी कर रही होंगी, नॉट दिस के उन्होंने आपको सिर्फ बहन भाइयों के फड़े में ही आप लोगों को सपोर्ट करना है, ठीक है जी। प्राइमरी ग्रुप में हम क्या करते हैं, हम ह्यूमन बींग को एज टोटल इंडिविजुअल एज अ होल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेंबर्स ऑफ अ फैमिली आर इमोशनली इन्वॉल्व विद वन अनदर एंड नो वन अनदर वेल, इन एडिशन दे इंटरेक्ट विद वन अनदर इन टर्म्स ऑफ देयर टोटल पर्सनैलिटीज, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ देयर सोशल आइडेंटिटीज और स्टेटस एज ब्रेड विनर स्टूडेंट एथलीट कम्युनिटी लीडर। वो चीज़ तो मैंने आप लोगों को पहले बताई है।
मैं पहले इस वजह से थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ कि जब मैं स्लाइड को रीड करूँ तो आप लोगों को वो बात समझ में आए जो मैंने बताना चाहिए है, जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो क्या है जी कि हम इमोशनली एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो उस जानने में हम पूरी पर्सनालिटी को देखते हैं। मेरा और आपका कोई एक लिमिटेड रोल नहीं होता। आप देखिए आपका आपकी सेकेंडरी ग्रुप में, क्योंकि मेरा और आपका एक सेकेंडरी ग्रुप है, हम अभी सेकेंडरी ग्रुप को भी पढ़ते हैं, तो हमारी एक लिमिटेड आइडेंटिटी होती है एक दूसरे के साथ। ठीक है, आप कितनी जॉली हैं, आप कितनी फनी हैं, आप कितनी सड़ियल हैं, आप कितनी खड़ूस हैं, या मैं कितनी सड़ियल कितनी खड़ूस हूँ कितनी स्टूपिड हूँ, ये आप लोगों को नहीं पता। ठीक है ना, आप लोगों को वही पता है जो मैंने आप लोगों को बताया है, क्योंकि हम एक सेकेंडरी रिलेशनशिप में हैं। हमारा एक बड़ा प्रिसाइज सा रिलेशनशिप है, जो कि मुझे आप लोगों के साथ एक लिमिटेड टाइम पीरियड में इंटरेक्ट करते हुए बता पाई हूँ, या जो आप लोग उसे गेस कर पाए हैं। टाइम टू टाइम माइट बी वेरी पॉसिबल कि जैसे मेरा मेरे टीचर्स के साथ अगर इंटरेक्शन है फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स, ठीक है, तो मैं उनके घर में जाती हूँ, वो मेरे घर में आते हैं, तो क्या होता है कि वो एक टीचर स्टूडेंट से रिलेशनशिप से आगे मूव कर रहे हैं। वी आर मोर क्लोज विद ईच अदर, हम एक दूसरे के कोलीग्स भी हैं, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भी है, एक लव का रिलेशनशिप भी है, तो वो एक अलग चीज होती है। अदरवाइज मेरा और आपका जो एक रिलेशनशिप है, मुझे कुछ नहीं पता आप तूबा के कितने सिबलिंग्स हैं, तूबा के कौन से फ्रेंड्स हैं इस क्लास में, या आप लोगों को नहीं पता मेरे कितने सिबलिंग्स हैं, मैं कहाँ रहती हूँ, मैं क्या करती हूँ सोशियोलॉजी को पढ़ाने के अलावा। ठीक है ना, तो क्या है जी, जबकि हम जब एक प्राइमरी ग्रुप में होते हैं तो हम जिसको कहते हैं ईच एंड एवरी थिंग ऑफ दैट स्पेसिफिक इंडिविजुअल, उस एक पर्सनैलिटी की हमें हर चीज पता होती है। ठीक है जी, अब प्राइमरी ग्रुप की करेक्टरिस्टिक्स क्या है जी, इसको सीएच खुले ने इंट्रोड्यूस करा या मैंने बता दिया। देयर इज फेस टू फेस इंटरेक्शन अमंग मेंबर्स, देयर आर फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन अमंग मेंबर्स, द रिलेशन अमंग द मेंबर्स आर टू पर्सनल इंटीमेट एंड इंटेंस, द मेंबर्स पजेस सिमिलर बैकग्राउंड्स एट्रीब्यूट्स सच एज लैंग्वेज इंटरेस्ट कल्चर रिलीजन। ठीक है जी, देखें ये प्राइमरी ग्रुप्स का ही है कि अब आप फॉर एग्जांपल आपको हो सकता है लेक्चर लेने के दौरान में बहुत सारे लोग तंग कर रहे हो, मुझे फलां चीज बताना फलां चीज बताना, मुझे भी हो सकता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं बड़े लोगों से डिस्टर्ब हो रही हूँ, अगर मैंने रूम लॉक नहीं किया तो सडन मेरी नीस आ सकती है जो कि ये कह दे कि दिलानी आप पढ़ाना छोड़ दे, मैं पढ़ा देती हूँ आपको नहीं आता है। तो ये क्या है, ये इंटरेक्शन यूजली हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन या मोर इंटरेक्शन या फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन आपका आपके प्राइमरी ग्रुप्स के साथ ही होता है, जिसमें आप क्या करते हैं, आपके सिमिलर एट्रीब्यूट्स होते हैं, आपकी लैंग्वेज सेम होती है, आपका कल्चर सेम होता है, आपका रीजन सेम होता है, जो के जिसकी बेसिस पे आप अपना कल्चर सेट करते हैं। ये ग्रुप्स जो हैं वो क्या है जी, स्मॉलर होते हैं साइज में। ठीक है ना, इसकी मैं एग्जांपल जब सेकेंडरी ग्रुप का बताती हूँ तो आप लोगों को समझ आएगी। आप जितना भी इसको देख लीजिए, फैमिली जितनी भी बड़ी होंगी, 5 सिबलिंग्स हैं, 7 सिबलिंग्स हैं, 4 सिबलिंग्स हैं, एक बहन की शादी कर दी, जहाँ शादी की चलो वो भी आपकी फैमिली का पार्ट बन गए, एक भाई की शादी कर दी, भाभी आ गई वो भी फैमिली का पार्ट बन गई, तो फिर भी क्या है जी कि फैमिली का साइज स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू दिस कि आप किसी भी रिलीजियस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो आप कोई भी वहां पे है जी, अब जैसे ताक रात आ रही है जी, ताक रात में कोई किसी जगह पे कोई जलसा कह रही हूँ सॉरी, कोई भी रिलीजियस गैदरिंग है मस्जिद में, यहाँ पे तो कोविड की वजह से चूंकि चीजें लिमिटेड हैं, तो वो कह दी वहां पे आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कितने ज्यादा लोग होते हैं। आप पॉलिटिकल अगर कोई देख लेंगे जहाँ पे उसके डिफरेंट सपोर्टर्स होते हैं तो वो किस तरह से सपोर्ट कर रहे होते हैं, लाखों हजारों की तादाद में लोग होते हैं। अभी आप देख लीजिए ये जो 2 वीक्स अगो लाहौर में जो सारा सीन हुआ, कितने लोग थे जो एक स्पेसिफिक पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे या अपने रिलीजियस कॉन्सेप्ट को
इन्फ्लुएंस कराना चाह रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से। तो क्या है जी कि इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारी फैमिली किस तरह से साइज में स्मॉलर है और हमारे सेकेंडरी ग्रुप्स जो हैं वो किस तरह से लार्जर होते हैं साइज में। सेकेंडरी ग्रुप जो है जी इन कंट्रास्ट विद द प्राइमरी ग्रुप इज कैरेक्टराइज बाय मच लेस इंटीमेसी अमंग इट्स मेंबर्स। इट इज यूजुअली हैज स्पेसिफिक गोल्स इज फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड एंड इज इम्पर्सनल। हाँ जी, क्या है कि स्पेसिफिक गोल्स हम मैंने आपसे कहा सेकेंडरी ग्रुप्स जो हैं वो यूजुअली फॉर्म किए जाते हैं टू मीट सम ऑब्जेक्टिव्स, टू मीट सम गोल्स। आपने अपना कोई टारगेट अचीव करना है तो आप क्या करते हैं सेकेंडरी ग्रुप फॉर्म करते हैं। सेकेंडरी ग्रुप्स टेंड टू बी लार्जर देन प्राइमरी ग्रुप्स एंड देयर मेंबर्स डू नॉट नेसेसरली इंटरेक्ट विद ऑल अदर मेंबर्स। अब देखिए वो सियासी जलसे में आने वाले लोगों का पता ही नहीं होता कौन कहाँ से आया हुआ है, कौन किस कास्ट का है, किस प्रोफेशन से है, कौन किसको जानता है, कुछ भी नहीं पता होता। ठीक है जी। इनफैक्ट मेनी मेंबर्स ऑफन डू नॉट नो वन अनदर एट ऑल टू द एक्सटेंट दैट दे रेयरली नो मोर अबाउट वन अनदर देन अबाउट देयर रिस्पेक्टिव सोशल आइडेंटिटीज। उस टाइम उनकी आइडेंटिटी क्या है जी कि जिस भी पार्टी में वो मौजूद है वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, यही फिर वक्त उनकी आइडेंटिटी है कि वो सपोर्टर्स हैं। कौन है ये कुछ नहीं पता। ठीक है जी, वो उस टाइम में सिर्फ उस पार्टी के सपोर्टर्स हैं ये पता है। मेंबर्स फीलिंग्स अबाउट एंड बिहेवियर टुवर्ड्स वन अनदर आर फैक्ट्स एंड मूव्स टू बैडेस्ट के प्लस एंड गोल्स रादर देन बाय पर्सनालिटी करेक्टरिस्टिक्स। आप देखिए हम कोई सोशल आपको थोड़ी क्लास। अच्छा जी, क्या मैं डिस्कस कर रही थी आपको कौन से। अच्छा हाँ जी, क्या क्या है जी कि हम क्या करते हैं सारा मेरा जो है ना टेम्पो खराब कर देते हैं यार ये लोग। ओके, आई वाज डिस्कसिंग दैट कि हम जब किसी भी आप देख लीजिए, आप ये सोचिए कि आप सेकेंडरी ग्रुप बना है, आपने कोई एसोसिएशन ज्वाइन की है, उस एसोसिएशन का कॉज क्या है कि आपने क्या करना है, आपने नीडी पीपल जो है उनको हेल्प आउट करना है। उसमें किस तरह से हेल्प आउट करना है, डॉक्टर जो है वो ये कहेगा जी कि वल्नरेबल है क्योंकि ये लोग बड़े मार्जिनलाइज पीपल हैं, बड़े एक्सप्लॉइटेड सेगमेंट हैं सोसाइटी के, तो मैं जो मेरी इनको जो भी हेल्थ एंड मेडिसिन चाहिए होगी मैं खुद को वॉलंटियर करती हूँ उसके लिए। ठीक है, टीचर क्या कहेगी कि मैं जो हूँ जी मैं यहाँ बच्चों को सिखाने की कोशिश करूंगी, या ये हो सकता है कि वो अपना अपना फाइनेंशली उनको सपोर्ट कर दें, उस एसोसिएशन में अपना रोल जो है जी वो प्ले कर दें। तो करना क्या है कि उस टाइम में वो क्या है एज डॉक्टर एज टीचर वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है उस टाइम में, उनका वो रोल जो है जो वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। उनकी जो सारी पर्सनालिटी की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो टीचर है, अच्छी टीचर है, बुरी टीचर है, खड़ूस टीचर है, स्ट्रिक्ट टीचर है, बच्चों को तंग करने वाली टीचर है, ये सारी एक अलग चीज है। टीचर होना भी उसका एक स्टेटस है। आप उसको एज इंडिविजुअल देखिए, वो टीचर है, वो बेटी है, वो वाइफ है, वो डॉटर इन लॉ है, सारी सिचुएशंस में आप देखिए वो क्या है, वो सारी उसकी पर्सनालिटी की करेक्टरिस्टिक्स हैं। सेकेंडरी ग्रुप में हम वो नहीं देखेंगे, हम सिर्फ देखेंगे उसका उस टाइम में जो स्टेटस है, उसका स्टेटस क्या है कि उसने हेल्प करना है उनको, और उसका रोल क्या है किस तरह से हेल्प करना है। स्टेटस जो है जी कि वो बींग टीचर और बींग इंटेलेक्चुअल उनको सपोर्ट करेगा, और रोल उसका उसमें ये है कि
जो भी फाइनेंशियली वो जितना भी पैसा देता है, जो भी उसमें उसका बिहेवियर होगा, जो एक्चुअल में वो प्रैक्टिस करेगा. सो मैकेवे ने इसका इंट्रोड्यूस कराया. करेक्टरिस्टिक्स इसलिए है कि कंपेरेटिवली लेस फेस टू फेस इंटरेक्शन है अमंग मेंबर्स, देर इज कंपेरेटिवली लेस इंटरेक्शन अमंग. फेस टू फेस इंटरेक्शन और सिंपल इंटरेक्शन में फर्क है, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है ना, आप लोगों को पता होगा. डायरेक्ट और फिजिकल इंटरेक्शन एंड सिम्बॉलिक इंटरेक्शन. जरूरी नहीं है जिनसे हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता उनसे हमारा इंटरेक्शन होता ही नहीं. अब मेरा और आप, मेरा आप में जब किसी के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन हुआ ही नहीं है. मैंने इससे पहले सेमेस्टर में जितने लोगों को पढ़ाया, कोविड में ही सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, कोविड में ही खत्म हो गया. ये जो यहाँ ES वालों का जो फर्स्ट सेमेस्टर था, या आप लोगों का जो थर्ड सेमेस्टर था, सारा कोविड में ही गुजरा होगा. तो आप लोगों को अगर किसी नए टीचर ने पढ़ाया होगा जिनसे आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो एटलीस्ट आपका उनके साथ इंटरेक्शन जरूर हुआ है लेकिन फेस टू फेस नहीं था. रिलेशन जो है अमंग द मेंबर्स आर इम्पर्सनल एंड सेकेंडरी. दीज रिलेशन आर रिलेटिवली लेस पर्सनल, लेस इंटीमेट एंड लेस इंटेंस. आगे क्या है, द मेंबर्स हैव स्पेसिफिक एम्स और इंटरेस्ट एचीव. स्पेसिफिक गोल्स उन्होंने सेट किए होते हैं जो कि अचीव कर रहे हैं. ये एसोसिएशन बनाने के लिए क्या है जो कि उन्होंने नीडी पीपल को मेन स्ट्रीम में लेके आना है, उनको एक्सप्लोइटेड सेगमेंट से सोसाइटी का एक नॉर्मल सेगमेंट बनाना है, तो वो भी आम लोगों की तरह जिंदगी गुजार सकें. तो ये क्या है जी, ये उनके एम्स हैं, उनके इंटरेस्ट हैं, उनके डिस्ट्रिक्शन उन्होंने अचीव करने हैं. दीज ग्रुप्स आर लार्जर इन साइज. ये मैं देख लिया, मिनिमम दो और मैक्सिमम लाखों. मिनिमम दो वो जो कि एक हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप है, हस्बैंड एंड वाइफ का मिलकर जो ग्रुप बनता है, बेटी और माँ का जो ग्रुप बनता है, मेरा और कुबा का ग्रुप बनने वाला है, और क्या है जी, या वो ग्रुप जो कि किसी भी पोलिटिकल लीडर के सपोर्टर्स का होता है. रेफरेंस ग्रुप. अच्छा जी, टाइम हो गया है, आपको की क्लास है मैम, दोनों की? जी, तो यस मैं मैम, इसको, एक 1 बजे है हमारा लेक्चर, 1 बजे। यस मैम हमारी है. ओके, अटेंडेंस हो गई हुई है? हाँ यस मैम, जी हो मैम. गई। ओके, हसनैन नहीं आज हमारे साथ? माहम हसनैन, आपको किधर है? मैम मैं हूँ. माहम ओके, माहम अटेंडेंस हो गई है? जी मैम. ठीक है, चलें सीधे क्लास. ओके, रेफरेंस बुक से कल हम स्टार्ट करेंगे. ओके मैम, ओके, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़।